चंद्रपुर महानगर क्षेत्र में अनेक नागरिकों के स्वयं की खुली जगह है और इन जगह पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो चुकी है। इन झाड़ियों को निकालने की मुहिम मनपा द्वारा क्यों चलाई गई, देखते हैं इस खबर में। चंद्रपुर शहर के वड़गांव, अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी नगर आदि भागों में भालू दिखाई देने से नागरिकों में दहशत निर्माण हो गई है और भविष्य में किसी प्रकार का कोई धोखा नागरिकों को न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस परिसर के झाड़ियों को साफ करने का कार्य मनपा की ओर से किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर महापौर राखी कंचलावर ने अधिकारियों के साथ अम्बेडकर नगर भाग में भेंट देकर निरीक्षण किया। गौरतलब है महानगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों के स्वयं के अनेक खुले स्थान है, मगर वहां पर नागरिकों द्वारा निर्माण कार्य न किए जाने की वजह से यह खुले भूखंड विविध प्रकार के बीमारियों को आमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इन झाड़ियों में जंगली जानवर को छुपने के लिए एक जगह भी निर्माण हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनपा ने जेसीबी से इस परिसर के खुले भागों पर स्थित झाड़ियों को साफ करना शुरू किया है। महापौर राखी कंजलावर ने स्वयं जाकर इस परिसर का मुआयना किया और इस मौके पर उनके साथ सभागृह नेता देवानंद वाड़ई, मनपा के उपायुक्त अशोक गराटे, स्वच्छता विभाग के वैद्यकीय अधिकारी छेड़के के साथ स्थानीय नागरिकों की भी उपस्थिति थी। तो सुनिए इस संदर्भ में महापौर राखी कंजलावर ने क्या कहा स्वयं उन्होंने जीवानी। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट। चंद्रपूर शहरामध्ये आंबेडकर सभागृहाचा परिसर किंवा वडगाव वाड्यातील हवेली गार्डन परिसर, इथे खूप झाडं झुडपे वाढलेली आहे आणि यामध्ये वाघ आणि अस्वर हे खूप सारे लोकांना दिसून आलेले आहे आणि बरेच लोकांच्या तक्रारी होत्या की आम्हाला रोज रात्री वाघ दिसतो आहे, कोणाला अस्वल दिसतं आहे, त्याचे फुटमार्क दिसतो आहे आणि अशा सगळ्या याच्यातून सगळ्या लोकांना आता घबराट सुटलेली आहे आणि सगळे लोक घाबरलेले आहे। तरी चंद्रपूर महानगरपालिकेने तत्काळ याच्यावर कारवाई केलेली आहे। जिथे जिथे ओपन स्पेस आहेत, खुले भूखंड आहेत, तिथे तिथे महानगरपालिकेने जेसीबी मार्फत पूर्ण साफसफाई करते आहे। तसेच फॉरेस्ट विभागाला पण आम्ही कल्पना दिलेली आहे, त्यांनी काही होल्डिंग्स लावलेले आहे, काही त्यांनी आपले पिंजरे ठेवलेले आहे, ते पण रोज रात्रीचा गस्त घालत आहे। पण तरी पण मी चंद्रपूर शहरामधील जे जे खुले भूखंड आहेत, खुले भूखंड धारकांना मी आम्ही चंद्रपूर महानगरपालिकेने नोटीस पाठवलेली आहे, कारण की त्याच्यामुळे त्या या झाडाझुडपामुळे संभाव्य नागरिकाला आता धोका झालेला आहे। तर त्यांनी आपापली खुले भूखंड त्वरित साफ करावे, नाहीतर त्या खुले भूखंडाचे जे कोणी असतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू।